शिव-कुटी स्थित राजकीय शिशु-सदन आज अपने बदहाली के लिए परेशान है। बच्चे 69, कमरे सिर्फ 4, इन कमरों में ये बच्चे रहते हैं। इन बच्चों ने कोई अपराध नहीं किया है, पर जीवन अपराधी की तरह बिता रहे हैं। आइए जानते हैं इन बच्चों का हाल। क्या नाम है आपका? मैं नाइन में। सारे बच्चे स्वस्थ हैं? नहीं, सब बच्चे स्वस्थ हैं। सच है, दो बच्चे हमारे HIV हैं, कुछ बच्चे मेंटल रिटार्डेड हैं, कुछ बच्चे डिफेंड, तीन बच्चे डिफेंडम हैं, तीन बच्चे ब्लाइंड हैं। इस तरह से जनरल तो स्वस्थ हैं। इन बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? इन बच्चों को वही नर्सरी की मतलब जानकारी दी जाती है, ताकि ये आगे की क्लास पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकें। आप इकलौती टीचर हैं? यहाँ पर एक थी, मगर वो इस समय GRS में नहीं, क्योंकि उनका तबीयत खराब है। अच्छा। किन स्थितियों में मिले बच्चे हैं आपको? इसमें मोस्टली बच्चे हमारे पास ज़्यादातर GRP से ट्रेन में छूटे हुए, इमरजेंसी बना ली है। कोई बच्चा लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, कोई बच्चा मेंटली चैलेंज है, बस उसको ट्रेन में या स्टेशन पर छोड़ दिया, क्योंकि समाज की सबसे बड़ी समस्या है। आपको मालूम है आप कहाँ से आए हैं? नहीं मालूम। मम्मी पापा का नाम क्या नाम है? पापा का नाम है साबुद्दीन, मम्मी का नाम है राबिया। अच्छा, कहाँ रहते हैं ये नहीं मालूम? कभी किसी तरह की परेशानी महसूस होती है? नहीं, हमको बहुत खुशी होती है। कभी झुंझुलाहट नहीं आती थी बच्चों को देख रेख करना? कहाँ झुंझुलाहट हो गई, हमारे बच्चे हैं। घर कहाँ है? वहाँ है। मम्मी की याद आती है, पापा की? हाँ। अच्छा, कब जाओगे? सरकार से आपको मदद मिल रही है कुछ? सरकार से मदद क्या, तो संस्था ही सरकार चला रही है। तो सरकार जो भी बजट है वो देती है। पर बच्चे अब 1 जुलाई से 1200 रुपये हो गया है, इससे पहले तो 550 था, तो हम लोग बहुत ही कठिनाई में थे। अच्छा, फिर कैसे करते थे आप लोग? वो एक कुछ मदद लोगों की लेते थे, और कुछ ये कि पेंडिंग चलता था, क्रेडिट पर चलता था। अभी इनको खाने पीने का सब कुछ कायदे से मिल रहा है? देखिए, तो हमारे समस्या तो हम कायदे से देने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सबका अपना अपना क्राइटेरिया फर्क है। 15 अगस्त है ना। अभी किस तरह की आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं? हमारी बिल्डिंग में यद्यपि कमरे तो पर्याप्त थी, लेकिन इसके अलावा और जो सुविधाएं हैं विशेष रूप से बच्चों के खेलने के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कैसा लगता है? यहाँ सबसे अच्छा क्या लगता है? खेल। आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? हमारी राय है कि जो लोग दे जाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इस तरह की मदद से कुछ खास भला नहीं होता है बच्चों को। जो लोग मदद करना चाहते हैं वो इस प्रकार की मदद करें कि जो बच्चे हैं या तो उन्हें अडॉप्ट करें, पर्सनल केयर में लें। इन अनाथ बच्चों का जीवन शिशु सदन में कैद होकर रह गया। ये बच्चे खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते। मैं अजीत बहादुर, इलाहाबाद से, इंडिया अनहर्ड।